सल्लू मैंने सुना है प्लास्टिक सर्जरी में तो बड़ा पैसा लगता है और इतना पैसा तो ना मंजले के पास है और ना इसके अब्बा के पास। कट्टो के अब्बा ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है और तुम्हें पता है कट्टो बड़े कमरे में रह रही है वहाँ पे प्राइवेट कमरे में। इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया है? हाय हाय तारा, हाय हम तो भूल ही गए तेरे वास्ते पालकी भिजवाना। गलती है भी मारा से। तौबा है फुप्पो, ताने मारना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी बात हुई थी कल सल्लू से, बोल रहा था कि आज मैं और अनारकली रुकेंगे और आज मैं और जुगनू जाके रुकेंगे अस्पताल में। बातें बनाना तो कोई इससे सीखे। बाहर जाता हूँ, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम गुजारता हूँ। इमरान, मैं 2 महीने बाद आई और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? अब बिहेव का मतलब क्या है? वो मामू के साथ रह रहे के काफी अंग्रेजी सीख ली है मैंने। बिहेव मतलब रवैया। तुम बिल्कुल मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। अब नहीं कट्टो, देखो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई जान पहचान ही नहीं है, पर थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा चेहरा बदल गया तो क्या? मेरा दिल तो वही है ना, जज्बात तो नहीं बदले मेरे, तो वही है और मैं वही कट्टो जिसको तुमसे मोहब्बत हो गई। और मैं जानती हूँ तुमने अस्पताल में मेरा बड़ा ख्याल रखा है। तुम मुझे कोई और लड़की लग रही है, तुमसे बात करने में मुझे झिझक सी हो रही है। अच्छा छोड़, आज से तुम मुझसे अंग्रेजी पढ़ो। मामू के साथ रह रहे के जितनी अंग्रेजी सीख ली ना तुम्हें सिखा देती हूँ। हाँ ये ठीक है, इस तरीके गुड मॉर्निंग। अरे कट्टो तू क्यों सुबह सुबह किचन में आ गई? अभी कल ही तो अस्पताल से आई और नाश्ता भी बनाने लगी। ओहो नाश्ता थोड़ी बनाऊंगी, डॉक्टर ने भी काफी दिन चूल्हे के आगे काम करने से मना किया है। बाजार से कुछ मंगवा लेंगे, अभी तो मैं सिर्फ चाय बनाने आई। ले मैंने चाय बनाई है ना, इसी में से तू भी चाय ले ले और वहाँ पराठे भी रखे, अपने लिए पराठा भी ले ले। अरे वाह तू इतनी अच्छी कब से हो गई? एक तो ये कि हमने तुम्हें प्यार भी था, तुम्हें याद हो क्या? याद हो। और दूसरा ये कि तूने इतनी तकलीफ उठाई है, अब इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। हाँ यार पता नहीं वो हादसा हुआ कैसे था, इस वक्त वो बदबू नहीं आ रही इस किचन में जो उस रात आ रही थी। अनारकली उस रात जो ही मैं किचन में घुसी एक अजीब सी बदबू सी आई जिसे जिसे वन महल में सिपिच के नहीं आती, वो पुनसी लगने की। वो क्यों आ रही थी? वो तो तभी आती है जब दरवाजे खिड़कियां बंद हो। तुमने दरवाजे खिड़कियां देखी थी? ध्यान तो नहीं दिया। फिर वो हादसा हुआ कैसे? ये तो मैं कुरेद के दम लूंगी। अच्छा छोड़, तू सुना मेरे अस्पताल में रहने के बाद घर में कोई तब्दीली आई कि नहीं आई? कोई नहीं, सब तो तुझमें ही लगे थे, तब्दीली कहां से आती? सिवाय तारा भाग के। हाँ? हाँ? कुछ नहीं, तूने चाय बना ली? हाँ ना ला चाय तो। हाँ हाय हटा भाई अपने कपड़े, मुझे कपड़े डालने। अरे वाह मैं तो नहीं हटाती। अच्छा नहीं हटाएगी ना तो ये जो तार है ना तार के फेंक दूंगी मैं। तौबा फुप्पो तौबा, तुम्हारा एक पाँव कब्र में एक पाँव केले के छिलके पर। तुमने मुझे देखा कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो शैतानी के लिए तुम कपड़े धोकर आ गई? ऐ बहस तो अपने बराबर वालों से होती है और तुझसे बहस मेरी जूती भी नहीं करती। हाँ तौबा फुप्पो कितनी लड़ाका हो तुम, मैं कपड़े साइड पर कर देती हूँ, तुम डाल दो यहाँ पर कपड़े। अरे एक बार मेरी कान खोल कर तो सुन ले। हाँ आज की तारीख में ना अपने बाप से इस घर के कागजात ले आ वरना हशर कर दूंगी मैं तेरा। हाँ और अगर जो मैं कागजात ना मंगवाऊ तो? नहीं लाएगी तू, नहीं लाएगी तू। उतार अपने ये कपड़े। ये धुले हुए कपड़े फिर धो लेना। इमरान इधर हूँ। ओहो अभी तक नहाई नहीं,
फिर चाय भी लेकर आ गई। बस आया ना लिए। यार इस शर्ट का बटन भी टूट गया, मुझे जल्दी से कोई शर्ट दे दो। ये शर्ट अच्छी लग रही है, मैं इसी का बटन टांग देती। ठीक है। अच्छा सुनो, मामू को ले आना याद से, या एक काम करना मुझे ही ले चलना उनके पास। क्यों? क्यों का क्या मतलब है, इस हादसे से पहले जितने मामला थे उनको भी तो उठाने ही है ना। कैसे मामला? इस मकान के कागजात, सल्लू अनारकली की लड़ाई, अब्बा की फुप्पो से शादी। ठीक है। अब क्या हुआ इमरान? कुछ नहीं, अब वो ऐसे लगा जैसे किसी पराई जनी ने हाथ लगा दिया। पराई जनी? हाँ, फिर बकवास की तुमने। अरे नहीं, किसी गैर औरत ने हाथ लगा दिया। रात इतना समझाया तुम्हें, ये झिझक दूर कब करोगे तुम अपनी? अच्छा हो जाएगी, तुम ऐसे करो मैं तुम्हें उतार के देता हूँ, आराम से तुम बैठ के लगा लो। तुम चाय पियो, मैं यूं ही लगाऊंगी। पियो। अब मैं खुद लगा लेता हूँ। चाय पियो, कहा ना मैं खुद लगाऊंगी। पियो। ये झिझक आखिर दूर कैसे होगी? ठीक हो गया। हाँ आजम, कहाँ हो? यार मैं लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, प्लीज यार कुछ तो ख्याल किया करो, फौरन पहुंचो लोकेशन पे। इधर भी नहीं है, कहा भी था कि घर पर आ रही हूँ मगर अब्बा तो अब्बा है, फोन करके दे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ हेलो तारा बेटा, पहुंच गई तुम? हाँ मैं तो पहुंच गई, कहा भी था तुम्हें क्या आ रही हूँ, कहाँ पर हो? मैं बेटा बस घंटे भर में वापस आ रहा हूँ, तेरे पास घर की चाबी है ना? वो तो खैर मैं आके बैठ गई, लेकिन घंटा भर मैं नहीं रुकूंगी, तुम जल्दी आओ तो बात करूँ। देख बेटा मुझे प्रोडक्शन हाउस से फौरन फोन आ गया, एक्चुअली वो मुझे एडवांस पकड़ना था, तू ऐसा कर चाय वाय बना बस मैं पहुंचा। अच्छा चलो फोन पर ही ना मेरी बात सुन लो अब्बा। अच्छा बोल, थोड़ा बहुत तो हम फोन पर ही बात कर लेते हैं, बता। अब्बा ये जो मेरी फुफिया सास है ना, ये डायन है डायन। हेलो हेलो, हाय हाय बैलेंस चला गया। वैसे अब्बा आज है नहीं, कि ना तलाशी लेती हूँ घर की, करते क्या फिर रहे, किन चक्रों में ये। दराज में देखती हूँ। ये लगा के देखती हूँ तो क्या पता इसमें बैलेंस तो बात ही हो जाए। सल्लू और जुगनू, देखो बेटा कट्टू की ख्वाहिश पूरी करना अब मेरी जिम्मेदारी है, ना मैं शेखी मारने का आदी हूँ और ना ही मुझे अपनी इमारत जिताने का कोई शौक, लेकिन इतना जरूर कहूँगा जिन लोगों के हाथ लंबे हों उनसे उलझना नहीं चाहिए। नहीं आप क्या धमकी दे रहे हैं हमें? धमकी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं करना कि मेरे हाथ तुम दोनों के गिरेबान तक पहुँचे। नहीं ये बात करने से आपकी मुराद क्या है भाई? कट्टू की ख्वाहिश है कि ये निकाह हो तो फिर आखिर ये निकाह होके रहेगा, चाहे हमारी इज्जत का फलूदा निकल जाए। वो फलूदा बेचने वाले? हाँ। कौन सी इज्जत, तू को मिनिस्टर लग गया है कि फुफ्फो के निकाह से तेरी इज्जत का फलूदा निकल जाएगा? इमरान हम बात कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम इन दोनों को यहाँ से मनवा के ही उठेंगे, चाहे हमें इनके मनवाने के लिए कुछ भी करना पड़े।
हो कुछ नहीं हुआ तेरे मेरे बीच, वो शादी की है मैंने, वो निकाह हुआ तेरा मेरा, और रिश्ता है तेरा मेरा। माफ कर दो मुझे बस, मेरी अकल पे पत्थर पड़े थे जो मैंने तुझसे निकाह किया, वरना तो इस रिश्ते को बस मैं भुगत रही हूँ 10 साल से, बस बहुत हो गया। इस रिश्ते में मुझे मिला ही क्या है ख्वारी के सिवा? कुछ नहीं मिला तुझे। कुछ मिला तो ले भी तो लिया, हिसाब बराबर। अब बस मुझे तलाक चाहिए ताकि मैं अपने नए सफर पे निकल सकूं, अपनी मनचाही जिंदगी गुजार सकूं। वही वही जिनको तू फूल समझ रही है ना, वही उस रास्ते पे सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। चुपने दो मुझे वो कांटे, जब मैं इन कांटों से खुद लहूलुहान होने के लिए तैयार हूँ तो तुझे क्या मसला है? मैं तुझे ये तो नहीं कह रही कि मेरी राहों से तू कांटे चुनता फिर। होए, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, छोड़ दो मुझे, मेरी जिंदगी से निकल जाओ बस। तो फिर चल जा मर, मैं देता हूं तुझे तलाक, तलाक, तलाक। अरे ये तो पूरी तैयारी से ही बैठी थी, जब कोई इंसान रुकना ही ना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? किसी ने सही कहा है कि ट्रेन की टक्कर पानी के चक्कर और औरत के मकर से अल्लाह बचाए। थोड़े ना कोई हमारे घर में आके हमें ही ताल्लुकात की धमकी देके चला जाए और हम चुप रहे। वो तो कह रहे थे कि मैं खुद खड़े होके निकाह करवाऊंगा और फिर अपनी पीआर गिनवाने लगे। अच्छा, ये तो भला हुआ उनका कि उस वक्त मैं अब्बा की तरफ गई थी, वरना बताती हूँ उनको अच्छी तरह से। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाँ तू ही देख, मैं तो बहन बड़ी थकी हुई हूँ। सूटकेस के साथ क्या हुआ नीलोपी? कल्लू ने मुझे तलाक दे दी। क्या? सच कह रही, कल्लू ने मुझे तलाक दे दी। क्या कह रही हो? उसको मेरे और चद्दी के चक्कर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने मुझे तलाक दे दी। अंदर आओ। नहीं, देख सारा बैठी है, उसको ना मेरे और शादी के चक्कर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वो उसकी बेटी है, उसके सामने मेरा इमेज खराब हो जाएगा। मैं पागल तो नहीं हूँ ना नीलू आपी कि तारा भाभी के सामने उसके बाप और तुम्हारे चक्कर का जिक्र करूंगी? तुम अंदर आओ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ नीलू, रो क्यों रही हो? वो गुल्लू भाई ने ना इसे तलाक दे दी है। क्या? हाँ, इधर आ, इधर आ, क्या हुआ बता। बैठ नीलो बाजी, बैठ बैठ। क्या हुआ नीलो? मेरी तुमसे इल्तजा थी, मेरे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं, तो चंद दिन मुझे तुम यहाँ रख ले। अब बहन मैं रखने को तो रख लूं, मगर तू रहेगी कहाँ? तारा भाभी इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लेगी। अनारकली ये लड़का या आदमी तो है नहीं, औरत जात है, चलते फिरते उठते बैठते नजर आएगी। अब आंगन में तो इसे सुलाने से रहे। देखो बस मुझे चंद दिन रहने दो यहाँ पर, थोड़े दिनों बाद मैं इंतजाम कर लूंगी अपना। बेड़ा अगर रखो तेरा शाहिद, तूने मेरे हंसते बसते घर को तबाह कर दिया,
तोड़ दिया मेरे घर को। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ जाऊंगा, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि बदला किससे लिया। वो तो ठीक है, मैं मना तो नहीं कर रही, मगर तुम रहोगी कहाँ? फुप्पो के कमरे में फुप्पो के साथ ही रह लेगी ना। रखी ना ले फुप्पो इसको। देख तारा भाभी, वैसे भी फुप्पो का निकाह हो रहा है ना, वो तो कट्टो के अब्बा के साथ उसके घर चली जाएगी। फुप्पो का निकाह होने ही ना दे हम। वो तो उस वक्त जिस वक्त उसका अंकल भड़के मार रहा था ना, मैं थी नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, बस चंद दिन के लिए मुझे इस जगह पे, इस घर में जगह दे दो थोड़ी सी। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई सर जमाने की जगह भी नहीं। नहीं है ना नीलू, मैं तुझे कहाँ रखूंगी बहन। तीन कमरे और तीनों ब्याता जोड़ों के पास हैं। ए बहन, तू अपने अम्मा अब्बा के घर इज्जत क्यों नहीं कर लेती? तारा भाभी, इसका कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, मैं पप्पो से खुद बात कर लेती हूँ। अगर पप्पो ने मना किया तो मैं कहीं और इंतजाम कर लूंगी। अच्छा छोड़ो तुम पप्पो शुपो, तुम ना मेरे साथ मेरे घर में रह लेना। एक काम करना नारकली, ये तेरे अम्मा अब्बा के घर गुजार ले इधर। नहीं, वहां गुल्लू के आने का खतरा है, वो तो ना चोट खाए सांप की तरह हो रहा है। पहले मुझे पप्पो से बात करने दो, फिर अगर वो नहीं मानी तो देखेंगे। पप्पो, क्लीनिंग हो रही है? हाँ, वो अस्पताल में ना तेरे अब्बा ने हमारे को एहसास दिलाया कि हमारे ना जिल बहुत खराब हो रही है अस्पताल आ रहे जाने से, तो इसलिए। हाँ तो ठीक कह रहे ना, अस्पताल में तो अच्छा अच्छा पूरिया खराब हो जाता है। बालों पर भी कलर लगाया है? अरे नहीं, अब बस जड़ों में ना थोड़ा थोड़ा रंग लगाया मैंने। हाँ नहीं, ठीक किया। पता चला बाहर क्या सीन चल रहा है? हाँ, रोज़ों से आवाजें तो आ रही थी इस छुपकली की बोलने की, जो तारा है ना बस बोलते ही रहती है हर वक्त। हाँ, पर अब्बा के लिए जो निका की बात की ना शिबाज मामू ने, बड़ी खल रही है इन्हें। हाँ, अब तो ठीक है ना, ये ना सल्लू और जुगनू के कान भरेंगी। हाँ, और वो दोनों मेरा निकाह आसानी से ना होने देंगे। मगर पप्पू, इनकी बातें और जुमलेबाजी से पीछे तो नहीं हट जाएगी तुम? हाय नहीं, हाय तेरे अब्बा से देखा तो अब मेरे दिमाग पे सवार है, मैं ना हटूं पीछे। भौंकने देना कुत्तों को, मैं थोड़ी डर रहा हूँ। एक आइडिया है। हाँ बोल। कुछ ऐसा करें जो ये लोग मुखालफत कर रहे हैं ना, खुद आप और अब्बा के निकाह के लिए राजी हो जाएं। ऐसा क्या करूं मैं? इस मकान को बेच कर ना अपना हिस्सा मांग ले। हाँ, मैं तेरे साथ क्या जाऊं भाई? अरे कल ही मैंने मकान के कागजात मांगे हमसे, और यार भागी भागी गई है अपने अम्मा के घर। अब तो मैं हंगामा मचाऊंगी, तुम देखती रहना। ये तो ना बड़ा अच्छा बताया मुझे है ना। चल क्लीनिंग तो करें। नहीं बहन, वैसे औरत अगर शोहर के साथ ना रहना चाहे ना, तो उसे कोई मौलवी या शरा नहीं रोक सकती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे गुल्लू को मैंने मजबूर किया है कि मुझे तलाक दो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि खुला औरत का हक है। मैं फोन सुन के आती। देखा देखा कैसे गई है वो? ना हो उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और उसी चक्कर की वजह से ना गुल्लू भाई ने उसको तलाक दी है। तो तुम्हें क्या मसले, तुम अपने काम से काम रखो। नहीं, उसी बंदे का फोन लग रहा है, तो उसके चाल चलन नहीं देख रही है।